गुरुजी पर। और जो हमारा डीके कोयल के सॉल्यूशन चल रहे थे चैप्टर सेकंड फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिया था, यहां तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। ध्यान से देखना बेटा, ए और बी ने 4 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी है। ये डिसाइड हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 8% पर एनम रहेगा और आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 42,000:3:2। अब इस क्वेश्चन में दो केस हैं। पहला केस है कि वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना है। और दूसरा है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है चाहे भले ही आपकी फर्म लॉस में जाए। तो पहले केस में देखो, मैंने सबसे पहले क्या करा, देखो 36 वाला केस है ये। सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया कि दिया कितना जाएगा। ए का 4 लाख था, 4 लाख का 8% निकालोगे तो 32,000 और 3 लाख का 8% निकालोगे तो 24,000। 32,000 और 24,000 दोनों को जोड़ोगे तो यह आएगा हमारा 56,000। क्या हमारे पास उतना प्रॉफिट है? नहीं है। और पहले वाले केस में कह भी नहीं रहा कि आपको भले ही लॉस हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो क्या होगा, इस 42,000 को कैपिटल रेशियो में बांट देंगे, यानी कि 42,000 × 4/7 और 42,000 × 3/7। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी 24,000 और 18,000। आंसर भी देख सकते हो पहले केस का 24,000 और 18,000। सेकंड केस में कह रहा है कि भाई लॉस हो तब भी करना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बाय प्रॉफिट डाला 42,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की निकली 32,000 और बी की निकली 24,000, दोनों को जोड़ के 56,000 अमाउंट। 42,000 और 56,000 में कितने का घाटा हो रहा है, 14,000 का, और ये घाटा ए और बी झेलेंगे 3:2 में। तो 3:2 करोगे तो 8,400 आएगा ए का लॉस और बी में आएगा 5,600। सेकंड केस का आप आंसर देख सकते हो, लॉस 8,400 और 5,600। बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 देखो, पी क्यू पार्टनर है, रेशियो 3:1, देयर फिक्स कैपिटल है 10 लाख और 6 लाख। पार्टनरशिप डीड कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी 12%। पार्टनरशिप डीड में यह भी लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको प्रोवाइड करना ही करना है भले ही फर्म को लॉस हो, यानी कि इस क्वेश्चन का जैसा सेकंड केस है वैसा ही है। प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख। तो देखो मैंने सीधा सीधा यहां सॉल्व किया है, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट 1.5 लाख डाल लिया और हमें कैपिटल दे रखी दोनों की 10 लाख और 6 लाख। कितना परसेंट है, 12%। 10 लाख का 12% आएगा 1,20,000 और 6 लाख का 12% आएगा 72,000। तो दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाल के यहां डाला, पी 1,20,000 और क्यू का 72,000। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1,92,000 आएगा और यहां है 1.5 लाख। तो कितने का लॉस होगा, 42,000, यानी कि 42,000। ये 42,000 का लॉस ये 3:1 में झेलेंगे तो पी का आएगा लॉस 31,500 और क्यू का आएगा 10,500। आंसर मैं चेक भी कराता हूं आपको, 37 का नेट लॉस पी का 31,500 और क्यू का 10,500। सीबीएसई 2019 में आया है ये केरल में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ऑन 1/4/2013 ब्रिज और नंदन एक पार्टनरशिप में आए टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट इन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करी, 10 लाख और 15,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2। इंटरेस्ट अलाउड है 12%, लेकिन कहीं नहीं कह रखा कि भाई साहब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा भले ही आपकी फर्म लॉस में जाए, ऐसा नहीं दे रखा। इट मींस क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा तो नहीं। 10 लाख का अभी जब हमने करा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इसमें भी 12% है तो कितना आएगा, 1,20,000। और 15 लाख का 12% आएगा 1,80,000। 1,80,000 और 1,20,000 कितना होगा, 3 लाख। और यहां प्रॉफिट कितना है, 2 लाख, यानी कि प्रॉफिट कम है। तो क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को उनके कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 2 लाख है और ये रेशियो निकालूंगा तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, 5 0 से 5 0 कैंसिल, तो 10:15 आ गया, यानी कि 2,00,000 × 10/25 करूंगा तो 80,000 आएगा ब्रिज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 2,00,000 × 15/25 करूंगा तो नंदन का आएगा 1,20,000। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 36
क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38 कर लिए। अगली वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से, और उसके अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा आपका टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर करना ना भूलें, प्लीज कमेंट कर दिया करिए।